हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 17 सितंबर को युवा बेरोजगार सम्मेलन, युवा कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार का झांसा देकर वोट प्राप्त किया है। जो सब्जबाग दिखाए गए हैं वे केवल झूठ का पुलिंदा निकली, ये कहना है यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ठाकरा राम माली का। बुधवार की रोज युवक कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का घेराव किया। युवक कांग्रेस ने आगामी 17 सितंबर को युवा बेरोजगार सम्मेलन का आयोजन करने की बात का ऐलान किया। इस सम्मेलन के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए माली ने कहा, इस सम्मेलन में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चांदना, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पलक शर्मा और युवक कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। माली ने केंद्र और राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए माली ने कहा कि युवा अब भाजपा पर भरोसा नहीं करेगी। बेरोजगारी और युवाओं ने एक बार भाजपा पर भरोसा कर झूठे दिलासे पर मतदान कर दिया, अब युवा सजग हो गए हैं, अब युवा झूठे दिलासे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस सरकार आने पर समुचित रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही बेरोजगारी की स्थिति में 3500 रुपए प्रति माह रोजगार भत्ता दिया जाएगा। माली ने कहा कि युवा शक्ति रोजगार कार्ड बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के साथ प्रदेश में सरकार बनने पर नौकरी देकर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रयास किया जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इसके लिए युवा शक्ति रोजगार कार्ड जरूरी होगा। पत्रकार वार्ता में बेरोजगार युवा सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। ये युवा सम्मेलन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव भानु प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव नवाज दर्श, प्रदेश सचिव नरेंद्र मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष नारायण मेघवाल, लोकसभा महासचिव सवाई सिंह, लोकसभा महासचिव छोटू सिंह, सचिव जितेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बेरोजगार युवा सम्मेलन को लेकर युवा कांग्रेस ने विभिन्न कमेटियों का गठन कर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।